यह कहानी त्रेता युग का है, जब पृथ्वी पर भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। भगवान शिव भी बानर रूप में अवतार लिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, भक्ति मन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जाने इस रोचक कथा को। वास्तव में शिव का अवतार हनुमान ही थे, और यह भी सत्य है कि भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार के कारण बने थे। रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक पर चलकर भगवान राम का दर्शन किया जाए। उस समय भगवान राम की आयु लगभग 5 वर्ष की थी। भगवान शिव के सामने यह समस्या थी कि वह अपने असली रूप में नहीं जा सकते थे। तब भगवान शिव ने मदारी का वेश में डमरू बजाते हुए अवधपुर के राजमहल के द्वार पर पहुंचे। उनके साथ नाचने वाला एक सुंदर बंदर भी था। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डमरू की आवाज सुनकर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार पर आ गए। तभी मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर नाचने लगा। भगवान श्री राम हंसने लगे। यह देखकर मदारी निहाल हो गया और जोर जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज से साथ बंदर भी ठुमुक ठुमुक कर नाच रहा था। भगवान शंकर एक अंश से बानर के रूप में अपने आराध्य के सामने नाच रहे थे और दूसरा अंश से स्वयं ही मदारी बनकर अपने को नचा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्यानंदन भगवान श्री राम मुग्ध हो गए और शिशु रूप में श्री राम मचल उठे। मुझे यह बंदर चाहिए। मदारी तो यही चाहता था कि अपने आराध्य के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही उसने बानर का रूप धारा था। एक दिन शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके चरणों की सेवा का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और जिस लोक में मेरे राम हैं, मैं भी वहीं रहूँ। यह सुनकर पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी, आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रह सकती हूँ। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती है, और अगर मैं यहाँ से चला गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों के बलि दे देगी। ऐसे में शिव मोह के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना था, दूसरी तरफ अपने भगवान आराध्य के लोक में जाना था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता को बताया और बोला, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप बानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक बानर होगा जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पाते थे और वह जानते थे पृथ्वी के कल्याण करने के लिए मेरी जरूरत होगी। शिव को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा ना मेरे राम नजर आएंगे, इसलिए धरती पर कोई नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसीलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात की कई सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। ये था शिव जी से जुड़ा हुआ रोचक कथा। दोस्तों, अगर आप महावीर जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।